नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन के टच से परेशान हो चुके हैं, यानी कि आपके फोन का टच अगर स्लो पड़ गया है और वो बहुत देर में रिएक्ट करता है, जब भी आप किसी चीज के ऊपर टच करते हैं तो बहुत देर बाद रिस्पॉन्स करता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, या आपके परिवार की भी आप मदद कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो अगर आपके फोन की स्पीड स्लो हो गई है, टच उसका काम नहीं करता, तो आपको क्या करना है वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जाइए अपनी सेटिंग पर। सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लैंग्वेज एंड इनपुट का। तो लैंग्वेज एंड इनपुट पर आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉइंटर स्पीड, ये सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए, ज़्यादातर केसों में ये 50% पर सेट करके रखा जाता है, 50% पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर फास्ट किया हुआ है, इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक कितना भी फास्ट या स्लो आप कर सकते हैं। यही एक वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे फ़ोन का जो टच है, टच रिस्पॉन्स जो होता है हमारा, वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको फास्ट कर सकते हैं, और फास्ट ही आपका फ़ोन जो होगा बिल्कुल टच को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करेगा। आप जब भी उसको टच करेंगे तो पहले से वो उसकी टच की स्पीड जो होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल फास्ट करके रखेंगे तब भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर डबल क्लिक लेने लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप कम करके रखिएगा, ताकि आपका नॉर्मल तरीके से फ़ोन जो है वो काम करता रहे। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के टच को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अगर आपके फ़ोन का टच स्लो पड़ गया है तो। दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आप किस तरह से अपने फ़ोन के टच को फास्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हमने बनाई हुई हैं, आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखिए, आपके बहुत ही काम की वीडियोज़ हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।